दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई त्रासदी की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों हैरानी तो तब हुई जब इस त्रासदी के दौरान स्वयं महादेव भगवान शिव ने दर्शन देकर अपने एक परम भक्त के पूरे परिवारों के प्राणों की रक्षा की। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले जगदीश जोशी जी की। और जगदीश जी बताते हैं कि वे महादेव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव का मंदिर उनके घर से थोड़ा ही दूर है, इस कारण वह प्रतिदिन की बजाय प्रति सोमवार को महादेव भगवान शिव के मंदिर जाकर नियमित रूप से महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। दोस्तों जगदीश जी बताते हैं कि वह 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और उनके माँ बाप एक किसान हैं। उत्तराखंड में आजकल सभी लोग खेती के काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण गांव के सभी लोग सुबह जल्दी खेतों में चले जाते हैं और शाम तक काम खत्म कर वापस घर को आ जाते हैं। मेरे पापा भी किसान हैं और इस कारण आजकल वो थोड़ा व्यस्त है। दोस्तों 7 फरवरी 2021 जब मैं हर रोज की तरह सुबह सुबह उठकर अपनी पढ़ाई करने लग जाता था, मगर आज किसी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की और भगवान शिव के मंदिर में जाने लगा। मुझे मंदिर जाता देखकर मेरे माँ बाप ने मुझे पूछा कि बेटा तू आज रविवार के दिन मंदिर जा रहा है, सोमवार तो कल है, फिर तू आज मंदिर क्यों जा रहा है। माँ बाप का ये प्रश्न सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आज मेरे सपने में महादेव ने मुझे दर्शन दिए और वह बोले हैं बेटा क्या बात है, तू बहुत परेशान सा लग रहा है, तू बिल्कुल भी अपनी परीक्षा को लेकर परेशान मत हो, तू आज भी मेरे दरबार में आ जा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तभी मेरे पापा बोले बेटा जाओ महादेव के दर्शन करो और उनका जल अभिषेक जरूर करना। दोस्तों पापा की इस बात को सुनकर मैं शिव मंदिर में महादेव के दर्शन और धन्यवाद करने जा रहा था। महादेव की लीला कोई नहीं जानता, सिर्फ महादेव ही जानते हैं। इसके पीछे कोई वजह थी जिस कारण महादेव ने मुझे अपने दरबार में बुलाया था। हैरानी की बात तो तब हुई जब मैं मंदिर से अपने गांव की तरफ वापस आया तो मैंने जो नज़ारा देखा उसे देख पल भर के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे सर के ऊपर से कोई बादल फट गया हो। मगर ये भी तो प्रभु का आशीर्वाद था कि मैं इस नज़ारे को देख पा रहा था। दोस्तों हुआ यूं, जब मैं अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि धौली गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से उसका पानी काफी उफान में आ गया है और आसपास के सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मेरे माँ बाप भी एकदम सही सलामत थे, मगर आगे का नजारा इतना भयानक था कि आज भी मेरा रूह कांप उठता है। दोस्तों इस त्रासदी ने हमारे ऊपर से छत तक ले ली थी। जब मैं अपने घर की तरफ आया तो नजारा मेरे सामने था, मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ। मेरा पूरा का पूरा परिवार घर उस बाढ़ पानी में बह गया था। अगर महादेव मेरे सपने में आकर दर्शन देकर मुझे अपने दरबार नहीं बुलाते तो शायद आज मैं अपने घर के साथ बहकर अपने प्राणों को त्याग देता। तभी तो कहते हैं कर्ता करे न कर सके, शिव से बड़ा न कोई, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।